हेलो नमस्कार दोस्तों, रिसेट टेची में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास है Redmi Note 9 फ़ोन और यहाँ इस फ़ोन में FRP लग चुका है। जैसे कि दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बताया था, हर रिसेट करते वक्त जिन लोगों को पता नहीं है जीमेल आईडी पासवर्ड, तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे मुझे भी याद नहीं है इसका जीमेल आईडी और पासवर्ड, तो किस तरीके से लॉक को ओपन करना है ये मैं आज बताऊँगा। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले एरो पे प्रेस करना है। ओके, और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश है इंग्लिश रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे इंडिया है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वाईफाई मांगेगा। ओके, तो वाईफाई आपको ले लेना है, तो यहाँ पे मैं अपना वाईफाई कनेक्शन ले लेता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं वाईफाई कनेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे सिंबल आ चुका है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है और SSID करके जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको टाइप करना है youtube.com। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे youtube.com मैं टाइप कर चुका हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी दोस्तों इसको पूरा सेलेक्ट ऑल करना है। ओके, सेलेक्ट ऑल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एक लिंक का मिल जाएगा। ओके, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे जंप कर चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल वाला आइकन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए MI ब्राउजर है, मोर है, तो मोर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्रोम पे आ जाइएगा। ओके, क्रोम में यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे आपका आईडी मांग रहा है, तो आईडी नहीं है आपके पास तो नो थैंक्स कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए youtube.com जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको टाइप करना है, तो कुछ इस तरीके से frvfile.com/bypass आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक पेज ओपन होगा, तो अभी हम वेट करते हैं, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का पेज में आप आ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों डाउन करना है, डाउन में दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऐप का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैनेजर 8.apk है, इसको डाउनलोड करना है। टैप करते हैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। ओके, ये डाउनलोड हो रहा है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको और एक डाउनलोड करना है, जो कि बाईपास FRP 1.0 है, इसे आपको डाउनलोड करना है, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे 3 डॉट मिल जाता है। ओके, 3 डॉट पे टैप करते हैं और यहाँ पे डाउनलोड देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले जो ओपन करना है वो 8.9 GAM जो करके है उसे आपको ऑन करना है। तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ गया, सेटिंग को ऑन करना है। यहाँ पे देखिए अननोन सोर्स को ऑन कर देना है। ओके, तो ऑन करके यहाँ पे सिंपली बैक करना है एक बार और इसे इंस्टॉल कर देना है। अलाउ मांगेगा, अलाउ दे देना है दोस्तों आपको। अलाउ देने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा और मोर ऐप्स का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बैक का बटन है, बैक प्रेस कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए FRP bypass 1.apk है, उसे अब इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस ऐप्स को ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया, तो ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली देखिए यहाँ पे एक पासवर्ड वाला पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो 3 डॉट देखने को मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे ब्राउज़र साइन इन है, तो ब्राउज़र साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक पेज ओपन होगा, इसमें दोस्तों आप वो जीमेल आईडी डालिए जो आपको याद है, इसमें जो डाले थे वो नहीं डालना पड़ेगा आपको। अगर दूसरा जीमेल आईडी और पासवर्ड पता है तो इसमें डाल दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जीमेल आईडी पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं अपना जीमेल आईडी पासवर्ड डाल चुका हूँ, बस यहाँ पे सिंपली साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये आईडी एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइनिंग हो गया, यहाँ पे आईडी एक्टिव हो गया। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे पावर बटन जो मिलता है इसको दबा के आपको यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन मिलेगा, इसे रिबूट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे रिबूट होने देते हैं, अभी हम वेट करते हैं, फ़ोन को ऑन होने देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बता देता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल में न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑन होने के बाद ये वाईफाई वाले पेज पे आ चुका है। तो दोस्तों अब क्या करना है ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कनेक्टेड है हमारा वाईफाई, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करना है। ओके, और यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए स्किप दिस स्टेप। ओके, यहाँ पे देखिए इंसर्ट सिम कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट किए। उसके बाद दोस्तों यहाँ चेकिंग फॉर अपडेट है, तो यहाँ पे जितना भी चीज़ आएगा आपको स्किप करते हुए निकल जाना है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कॉपी ऐप एंड डाटा का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आपको डोंट कॉपी करना है। ओके, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे मैं जो जीमेल आईडी लास्ट में ऐड किया वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आप भी जो जीमेल आईडी लास्ट में ऐड कीजिएगा, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोर मोर, ओके, एक्सेप्ट, सारा टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गूगल असिस्टेंट है, यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे स्किप कर देना है, स्किप, जितना स्किप का ऑप्शन आएगा स्किप करते जाना है। ओके, और यहाँ पे देखिए नो थैंक्स, यहाँ पे देखिए एडिंग द फिनिशिंग टच है, तो अभी वेट कर लेते हैं। यहाँ MI अकाउंट का भी ऑप्शन, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया है, देखिए MI अकाउंट जो मांगता है वहाँ पे भी आपका स्किप का ऑप्शन आ गया है। गूगल अकाउंट MI अकाउंट दोनों है, तो यहाँ पे स्किप मार दीजिए और यहाँ पे स्किप मार दीजिए। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देने को बोल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, मैं स्किप मारूँगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लासिक का ऑप्शन है, तो क्लासिक में सेट है, तो मैं सिर्फ एरो प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने बता रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके का बटन है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखिए कुछ ऐड वगैरह आ गया है, और यहाँ पे देखिए सेटअप कंप्लीट, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है, तो अभी देख लेते हैं हमारा फ़ोन ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है पूरा 100%। तो अभी हमको क्या करना है, मुझे एक प्रोसेस और करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये गॉट इट कर देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे प्ले स्टोर आपका लॉगिन रहेगा। ओके, तो जो जीमेल आई डी पासवर्ड आप डाले हैं उसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट एंड सिंस करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देखिए अकाउंट एंड सिंस का ऑप्शन मिल जाता है, इसे बस आपको टैप कर देना है, और यहाँ पे जो गूगल आईडी है जो मैं लॉगिन किया था उसे यहाँ पे मोड पे जाके रिमूव अकाउंट कर देना है। ओके, इससे ये होगा कि आपका जो जीमेल आईडी लॉगिन किया हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो रिमूव हो चुका है, यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी कोई भी जीमेल आईडी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे यहाँ पे वो सारा एप्लीकेशन है, तो इस सबको अनइंस्टॉल मार दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।